स्कूल की मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज है। क्या सोमा भाई? बढ़िया है जय बाबू। क्या सोमा भाई? ओए चुरा यार सोमा भाई, रिस्पेक्ट, इंडियन कल्चर यार। क्या बच्चा है ये? रूल्स के हिसाब से टीचर्स तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जय बाबू, ये बड़ा होके आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। रुको एक मिनट, जय। यस मैम। ये सुमन है। हाय सुमन। इसकी मदद के लिए कोई आने वाला था, वो नहीं आ रहा, तुम इसकी मदद कर दो। अरे मामू हेल्प कर दो ना यार, मेरी हिस्ट्री टीचर है यार, प्लीज प्लीज। ओके मैम, थैंक यू। वहां कहाँ जा रहे हो? मॉम यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है। अच्छा, टिफिन फिनिश किया? हाँ। अच्छा, वो दीपक अपनी कॉलोनी में रहता है ना? हाँ। तो क्लास के बाहर क्या लेक्चर दे रहे थे तुम उसे? मॉम वो मुंह तो स्कूल ही नहीं आता है, हर वक्त बहाने बनाता रहता है। हाँ? हाँ। And now we have to solve integration of trigonometric functions. Yeah. Miss? Yes, ma'am? ये जय लड़कियों की क्लास में क्या कर रहा है? आप खुद ही देख लीजिए। ये लड़की बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट है, ये अपनी कमी को कमी नहीं मानती, हमेशा फर्स्ट आती है। देखिएगा आप, एक दिन ये जरूर अपनी जिंदगी में एक मिसाल बनेगी। ये इसके बाद थोड़ा स्लो है। जिम में इतना नहीं था पाऊंगा। मिस, यस, एक पेपर और पेन मिलेगा? श्योर, ये लीजिए। Full stop. Everybody, pens down and leave. Thank you, Jay. Welcome. Thanks. ये लीजिए। Jay? ये क्या है? Spelling वगैरह ध्यान से लिखना, बिचारी को फेल मत करा। देना। आपकी बहन ने दिया है। Very funny. 500, sir. 500 रुपया? यार ये कैंटीन वाले तो लूटते क्यों हैं यार? अब समझा, इसीलिए मिडिल क्लास वाले अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं निकलते। अच्छा, तू इतना भड़का हुआ क्यों? अरे कुछ नहीं मामू, वो अपनी बाजू वाली नई पड़ोसन है ना, उसने मेरी नाक में दम करके रखा यार। क्यों? कब से छोटा चूहा चिढ़ाती रहती है। छोटा चूहा? अरे मामू, एक दिन मैं नहा रहा था तो बिना नोक के अंदर घुस गई, बस तब से छोटा चूहा। सुन, जब तू नहा रहा था तो ठंडे पानी से नहा रहा था या गर्म पानी से नहा रहा? हाँ सिली मामू, अब इससे क्या फर्क पड़ता है मामू? अबे बहुत फर्क पड़ता है बेटा, इसलिए जब नहाओ तो बाथरूम का दरवाजा बंद करके नहाओ। जय, इसे प्लीज बाथरूम लेकर जाना। अंकल वॉशरूम जाना है। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ। भतीजी किसकी है? मेरी है यार, तू खड़ा था इसीलिए। ना ना, तुम ये ट्रेलर कभी मिस नहीं करना, नेशनल एंथम यार। बेटा लेडीज टॉयलेट है ना, मैं चलो ना, मैं आपको अंदर कैसे? प्लीज चलो ना। एक्सक्यूज मी मैडम। आंटी आंटी आंटी, आई वांट टू गो टू द वॉशरूम वेरी बैडली। सेम पिंच बेटा, चलो चलो आ जाओ। आंटी। हाँ। सेम पिंच। क्यों? मैंने और आपने सेम कलर की अंडरवेयर पहनी है। नो। Thank you. You're welcome. Thank you very much. आजा बेटा. Let's go. Auntie. Same pinch. Same pinch. Auntie ने भी pink color की underwear पहनी है. Yes. Yes. छोटे. मामू. This is the पड़ोसी. अब देखता हूँ कैसे चिढ़ाती है. छोटा चूहा. कभी. रिंकी, आज से तू पिंकी। पति गई हूँ। अब शहर में टिटोरा पीटूंगा। चल चुप चुप। सुमन, क्या हुआ? मैम, मेरे भाई एग्जाम में लिखने के लिए आने वाले थे। हाँ। पर अभी तक नहीं आए हैं। ओ, अच्छा रुको, नंबर बोलो उसका।
हेलो भैया, कहाँ हो तुम? बेटा मैं पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में फंसा हूँ, बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। हेलो 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 सुमन, हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया। फोन को भी अभी डेड होना था। सुमन, सिर्फ 15 मिनट बाकी बेटा एग्जाम शुरू होने में। क्या हो रहा है साहब, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पीछे मरीज का हालत बहुत खराब है साहब। कबीर! अरे चाचा, क्या हुआ आगे? पुलिस ने रास्ता रोक रखा है। हेलो मामू, कबीर बोल रहा हूँ, आप कहाँ पे हो? मैं ट्रैफिक में अटका हूँ, बोलो। अरे नहीं मामू, वो जो अपने सुमन है ना, उसका भाई आने वाला था पेपर लिखने के लिए, लेकिन वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए। अरे मामू आप आ जाओ ना, बेचारे का पेपर मिस हो जाएगा मामू। ठीक है, जैसे क्लियर होता था। ठीक है, बोलो की फिक्र ना करें, आ रहा हूँ। ठीक है मामू। क्या हुआ? मामू भी ट्रैफिक में फंसे हैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ ट्रैफिक का कीजिए, पिछले 1 घंटे से बंद है, मुझे अपनी बहन का एग्जाम लिखने जाना है, वो बेचारी हैंडीकैप, प्लीज कुछ कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। देखता हूँ। कुछ न्यूज मिली? साहिबान नाम हाइदा सेल। देख देख अपना वेजिटेरियन टाइगर कितनी मेहनत कर रहा है। पुलिस अंकल, हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है। नया नया भर्ती हुआ है ना साला। बैठ जाओ बैठ जाओ, परेशान मत हो, बैठ जाओ बैठ। हेलो, अरे सो गए? सर हमने आधे घंटे से ट्रैफिक रोक के रखा है सर, वहाँ पे एम्बुलेंस फंसी हुई है सर, यहाँ स्कूल बस फंसी हुई है सर, एक भाई को अपनी बहन का एग्जाम लिखने जाना है सर, थोड़ी देर खोल देते ना सर, सब बहुत परेशान है सर। परेशान नहीं, सब बहुत बेवकूफ हैं, और जिनके लिए परेशान है ना, उनको भी इन्हीं बेवकूफों ने चुना है। बिना सोचे समझे चुनोगे तो भोगो। बघा साहेब, मंत्र्याची पोरगी चालली आहे, किती वाईट दिसते साहेब। होम मिनिस्टर की बेटी जा रही है। मिस्टर की बेटी? चलो चलो निकलते। संभालने के लिए कोई नहीं है बेटा। Sorry, beta.
ये लड़की बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट है। ये अपनी कमी को कमी नहीं मानती, हमेशा फर्स्ट आती है। एक दिन ये जरूर अपनी जिंदगी में एक मिसाल बनेगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे FIR रजिस्टर करवानी है। किसके अगेंस्ट? कविता सिंह पाटिल। कविता सिंह पाटिल अपने होम मिनिस्टर साहब की बिटिया जी। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? देखिए, आप रिपोर्ट तो लिखिए। आप जानते नहीं हमारे साथ क्या हुआ है, उसकी वजह से मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। हेलो सर, सिद्दीकी बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बच्चा किसका? मेरा बच्चा है। नाम क्या? नाम लखन है। खुशनसीब है कि बच्चा मिल गया। सुना है किसी भिखारी ने चुरा लिया था। मैं 2 मिनट के लिए जनरल स्टोर में गई थी, इतनी ही देर में किसी ने उठा लिया। अब मिल गया है ना, ऊपर वाले का शुक्र करो कि सही सलामत मिल गया। जी जय, यू डन अ ग्रेट जॉब, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सीरियसली, आपने जो किया है हमारे लिए, उसका एहसान हम कैसे चुकाएं? हाउ कैन वी हेल्प? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है, तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन 3 से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा, मैं कुछ समझा नहीं, ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें, तो 3 × 3 = 9 हुआ, × 3 = 27, 27 × 3 होता है 81, 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243, 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187, 6561, 19683, 59049, 170147, 177147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721 करेक्ट है। वाह, और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा, ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा, हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। कमाल है यार, इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी सोच बना दिया। तो सही कह रहा है, बस लोगों की समझ में आना चाहिए। मगर क्या सही बिठाया है साला, क्या सोचता है? सच में जय, प्राउड ऑफ यू। अरे झूठी थी कसमें वो झूठे थे वादे, तूने धोखा मुझे है दिया।
इतना बता दे के तेरे ख्यालों से कैसे मैं हो रिहा। झूठी थी कसमें वो झूठे थे वादे, तूने धोखा मुझे है दिया। इतना बता दे के तेरे ख्यालों से कैसे मैं हो रिहा। मेहरानो उड़ना सिखा कर तू आसमान ले गई, मुझे जान जान कहकर मेरी जान ले गई। मेरे दिल के सारे तू अरमान ले गई, मुझे जान जान कहकर मेरी जान ले गई। मेरे दिल के सारे तू अरमान।